महाराज, हम कई दिनों से देख रहे हैं आप कुछ विचलित हैं। आपका गर्व से दमकता हुआ चेहरा मुरझा सा गया है। महाराज, आप ही नहीं, हमें भी अनेक चिंताओं ने घेर रखा है। आपको कौन सी बात की चिंता है महाराज? आपकी हर चिंता दूर करने के लिए हम है ना? आप हमारी चिंताओं को दूर नहीं कर सकते महाराज। क्या कहना चाहती हैं आप? हमारे सुहाग का सिंदूर वहां गिरा पड़ा है। आपका राजमुकुट अभी कुछ क्षण पहले धरती पर पड़ा था। यही नहीं, हमें हर दिन हर पल अपशगुन दिखाई देते हैं। स्वामी, जब से आप दंडकारण्य से वो रक्त कुंभ यहां लाए हैं, तभी से ये अपशगुन होने आरंभ हुए हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं महारानी कि इन सब का कारण वो रक्त कुंभ है? महाराज, जब से वो रक्त कुंभ यहां आया है, तभी से ये अपशगुन हो रहे हैं। मैं तुझे श्राप देता हूं रावण, जहां ये रक्त कुंभ रहेगा उस स्थान का विनाश निश्चित है। स्वामी, आप वो रक्त कुंभ यहां से हटवा क्यों नहीं देते? आप रक्त कुंभ की चिंता मत कीजिए महारानी, हम काल को भी अपने वश में कर सकते हैं। हम यमराज को उसी के यमपाश से बांध सकते हैं। कुछ नहीं होगा हमें, रावण है हम, रावण। हे भोलेनाथ, कृपा कीजिए, अंजना की करुण पुकार को सुन लो प्रभु। वो अब तक तप कर रही है प्रभु, अब उसकी और कठोर परीक्षा मत लो। पवन देव प्रकट हूं। प्रणाम भोलेनाथ। पवन देव, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूं, आपने देवी अंजना को उचित मार्गदर्शन दिया है। अब आपको मेरा और एक कार्य करना होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। पवन देव, आप बिना बाधा के किसी भी स्थान पर आने जाने में समर्थ हैं। जल, थल, आकाश, पर्वत, वन, आपके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है। अतः आप ही मेरे इस ज्योति रूपी अंश को देवी अंजना की गर्भ में स्थित करें। पवन देव, ये वही अंश है जिसके लिए मैंने आपको पिता कहलाने का आशीर्वाद दिया था। प्रभु, वानर राज केसरी इसके पालक पिता कहलाएंगे, किंतु ये आपके पुत्र के नाम से भी जाने जाएंगे। पवनसुत, मारुति नंदन आदि नामों से ये प्रसिद्ध होंगे। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं कृतार्थ हो गया।
मैं भी इसे अपनी समस्त शक्तियां प्रदान करूंगा। लाइए प्रभु। अंजना को माता कभी नहीं बनने देंगे, कभी नहीं। वानरों में अन्य कोई नहीं, वही हमारा कार्य कर सकता है, वही हमारा कार्य कर सकता है। शुक आज्ञा महाबली। तुम शीघ्र अतिशीघ्र किष्कंधा जाओ और बाली को हमारा बुलावा भेजो और उसे कहना कि हम उसे गुप्त मंत्रणा करना चाहते हैं और वो हमसे गुप्त रूप में आकर मिले। जाओ। जो आज्ञा महाबली। रानी मंदोदरी, ये लीजिए आपका दूध। प्रभु, ये कैसा अपशगुन?
ये क्या कह रहे हैं लंकेश? देवी अंजना के पुत्र को मैं कैसे मार सकता हूं? उससे और वानरराज केसरी से मेरा कोई बैर नहीं है। तुम हमारे परम मित्र हो बाली, तुम्हें सावधान करना हमारा परम कर्तव्य है। भविष्य में आगे क्या होने वाला है इसका अनुमान ही नहीं है तुम्हें। लंकेश, भविष्य की चिंता दुर्बल करते हैं, बलवान नहीं। मुझे अपनी भुजाओं पर पूरा विश्वास है। ये किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। सक्षम रहकर क्या करोगे भाली? हमारी ज्योतिष विद्या स्पष्ट बता रही है कि अंजना का होने वाला पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। तो मैं उसे उत्पन्न होते ही मरवा दूंगा। अरे कैसे मरवाओगे? केसरी जैसा महाबली उसका संरक्षक होगा। केसरी का बल मेरे सामने कुछ भी नहीं है लंकेश, मैं उसे चुटकी में मसल सकता हूं। अच्छा, तो फिर तुम्हें केसरी के बल का अनुमान नहीं है बाली। हम तुम्हें बताते हैं, अंजन क्षेत्र के तपोवन की घटना है, जहां अनेक ऋषि मुनि रहा करते थे। एक बार पाताल लोक से दो दैत्य भूख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर आए। रक्षा करो। रक्षा करो। तभी केसरी ने उन विशाल असुरों पर प्रहार किया और अंजना को बचा लिया। अंजन क्षेत्र के पूर्व में जो सफेद पहाड़ है वो पहाड़ नहीं है मित्र, उन तानों की अस्थियां हैं। अब तुम ही सोचो मित्र, केसरी का बल और मतंग ऋषि के आशीर्वाद के शक्ति के मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो कितना शक्तिशाली होगा, कितना बलशाली होगा, तुम ही सोचो। हम तो कहते हैं मित्र, उसे कोक में ही समाप्त कर दो। कोक में ही? कोक में मैं कैसे मार सकता हूं उसे?
तुम्हारे इस मायावी तीर से मित्र।